हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं क्लैश स्क्वाड रैंक मैच, और आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो गाइस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। हो रहा है गाइस, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया गया एक लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस आज मैं इस वीडियो के बीच में आपको ऐसे तीन पेस्टेस की लैंडिंग एक्टिव स्किल बताने जा रहा हूँ, जो कि गाइस अभी तक आपकी ग्रैंड मास्टर, हीरोइक या मास्टर वगैरह आपकी रैंक ही लगी नहीं रही होगी, प्लस नहीं लग रहा हो। तो गाइस अगर आपकी माइनस लगती जा रही है, एक दो बारी मैच प्लस लग रहा होगा, तो गाइस आप स्किल ना अच्छे लेके नहीं खेलोगे, इसलिए आपका गेम नहीं बन रहा है। तो गाइस मैं आपको ऐसी तीन पैसिव स्किल एंड एक एक्टिव स्किल बताने जा रहा हूँ, जो कि आपकी रैंक प्लस करने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको, और आपकी माइनस भी काफ़ी कम लगेगी, और ज़्यादातर आपकी प्लस ही लगेगी, माइनस कम लगेगी, ठीक है। तो गाइस वीडियो में एंड तक जरूर मैंने करना। और गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया गया लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने अभी देखा होगा, यहाँ पर मैंने रश कर दिया था, बट बंदे ने मेरे को डाउन कर दिया था, मैंने डैमेज ही नहीं दे पाएगा इस बंदे को, मेरे को तो लग नहीं रहा है बंदा राउंड निकाल पाएगा, यानी वन वर्सेस टू ही करना है। वो देखो सामने की साइड बंदा, और राइट हैंड में भी इसके बंदा है, तो वो मेरे को तो लग रहा है इस पर रश हो जाएगा, अब ये कैसे क्या कर पाएगा। लो भाई भाई इसकी बची है यहाँ पर एकदम 32 HP, मेरे को तो लग नहीं रहा है गाइस यहाँ पर ये गेम निकाल पाएगा या नहीं। ये तो इस पर बंदे ने रश भी कर ही दिया है, कि मेडिकेट किस लिए नहीं कर रहा है, इस पर मैगजीन करेक्टर भी है, क्योंकि जल्दी HP मतलब इसकी रिवाइव भी हो, मेडी भी हो जाएगी जल्दी मैगजीन करेक्टर से, और HP फुल हो सकती थी इसकी, यार मेडिकेट यूज़ ही नहीं कर रहा पता नहीं किस लिए, और के करेक्टर यूज़ कर रहा है भाई। तो गाइस यहाँ पर अब की बार मैंने यहाँ पर खरीदे यहाँ पर डबल M1917 डबल M1 से ही बोलता हूँ, मैं आपको क्या आप क्या बोलते हो कमेंट में बताना, और इसका गन का नाम है M1917। तो वैसे और एक मेरे साथ इसको मेरे को इसके साथ एक ग्लूअल भी मिल चुका था, मतलब 1100 रुपये मिले होंगे मेरे को कम से कम, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं अपना निकल चुका था, अपने फर्स्ट राउंड तो हम हार ही चुके थे, अब हमारा सेकेंड राउंड चालू हो चुका था। तो गाइस गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकते क्या इधर से, देखते भाई किधर से, अरे ये चढ़ गया क्या, अरे चढ़ गया, चलो तो सामने वाले घर की छत पर कूद के देखते हैं बड़ी, अरे यार एकदम थोड़ा सा बचा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है यार, एकदम थोड़ा सा बचा, यहाँ पर राउंड निकल सकता था। तो मैं यहाँ से यार फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अब चढ़ नहीं पा रहा हूँ यार, को लग रहा कुछ ग्लिच वगैरह से एकदम चढ़ गया होगा, बट अब क्यों नहीं चढ़ पा रहे ये तो पता नहीं। तो गाइस कोई नहीं गाइस, अब बता देते हैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जो गाइस हमारी फर्स्ट पेसिव स्किल है गाइस भी है हमारी मोको करेक्टर क्या करते गाइस, मोको करेक्टर क्या करते गाइस, जैसे भी आप एक बंदे को ओम का डैमेज दोगे ना, ओम का फटका लगेगा ना उसको, तो गाइस जैसे उसको ओम का फटका, हर एक कोई सी भी गन का फटका लगेगा, अरे अकेला बंदा बचाओ और आपकी फ्रेंड को लोकेशन नहीं पता हो, आप उस पर एक भी गोली टच कर दोगे ना, तो उसके ऊपर एक निशान आ जाएगा, वो मोको का निशान आ जाएगा, उसको गर्ल करेक्टर आप यूज़ करना, और उससे आप लोकेशन देखते हो, बंदा देख सकते हो कि बंदा भाग किधर रहा है। तो गाइस ये होता है मोको करेक्टर का फ़ायदा। और जो गाइस हमारी सेकंड पैसिव स्किल है वे है गाइस हमारी कैली की करेक्टर। कैली करेक्टर क्या करती है गाइस, कैली करेक्टर को तो आपको पता ही होगा, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आप हर एक वीडियो में कैली करेक्टर लेके जरूर खेला करो, हर एक गेम में, कस्टम में, अदर्स मोड, जो भी मोड अपने फ्री फायर में, हर एक मोड में आप कैली करेक्टर लेके खेला करो। देखो जैसे मैंने सामने वाले बंदे को डैमेज दिया, तो इस पर एक मोको का निशान आ रहा है, और मेरे को इस बंदे की लोकेशन पता कर रही है, लग पता चल रहा है कि किधर भाग रहा है बंदा, ठीक है। ऐसे कैली करेक्टर क्या करती है, इस कैली करेक्टर तो एक करेक्टर की मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी हो जाती है आपकी करेक्टर की, और आपकी करेक्टर है जो आपका करेक्टर तेज भी भागेगा, ठीक है, ये होता है इस कैली करेक्टर का फायदा। और जो गाइज हमारी थर्ड पैसिव स्किल है गाइज वे है हमारी सूजी करेक्टर। सूजी करेक्टर क्या करती है गाइज, जैसे भी आप एक बंदे को डाउन करोगे, आपके टीममेट्स डाउन करेंगे ना, तो गाइज आपको ऑटोमेटिकली 200 कॉइन मिल जाएंगे। जैसे कि आपको ओम चलानी हो, कुछ भी चलानी हो ना, ओम वगैरह चलाते हो आप, तो गाइज आप ना सूजी करेक्टर रखा करो, और अगर पहले राउंड में एज कर दिया तो आपको गोल्ड तो ज़्यादा मिल ही जाएंगे, आपका ओम का जुगाड़ तो हो ही जाएगा, यह होता है गाइज मोको का सूजी का फायदा। और जो गाइज हमारी फोर्थ एक्टिव स्किल है गाइज वे हमारी ओरियन कैरेक्टर क्या करता है गाइज, ओरियन कैरेक्टर के साथ आपको लगाना मैगजीन करेक्टर है पैसिव स्किल में। मैगजीन करेक्टर क्या करेगा, और जैसे ही आप बंदे को डाउन करोगे, मैगजीन करेक्टर आपको 200 AP देगा ऑटोमेटिकली, और आप उसको ओरियन करेक्टर आपका चार्ज भी हो जाएगा, और आप यूज़ करके ओरियन करेक्टर से उसको 5-5 का डैमेज भी दे सकते हो। यह होता है गाइज ओरियन करेक्टर का फायदा, गाइज आप जरूर यूज़ करना उसके लिए, ओरियन करेक्टर के साथ मिग्यूल करेक्टर जरूर लगाना, और सूजी कैली मैक्सिमम वगैरह ऑल करेक्टर ले लो, बढ़िया करेक्टर स्किल जो मैंने बताई है वे आप फिर से सुन लेना, आपको समझ नहीं आया तो।
तो गाइस आज के लिए इतना ही, यहाँ पर हमारा दो राउंड हमारा निकल गया था और एक राउंड हम हार ही चुके थे। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, ऐसी आपको वीडियो मैं डेली डालता हूँ। और सबसे पहले आप अगर आप देखोगे लाइक भी कर देना प्लीज़, आपको उसका जो कमेंट भी करेगा ना फर्स्ट व्यू फर्स्ट लाइक, उसको ना गाइस हम पिन भी कर सकते हैं मैसेज उसके। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन पे सेट जरूर कर लेना। तो गाइस बाय बाय।